मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। ओपीडी में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रेगनेंसी में हम डिओडरेंट, कॉस्मेटिक्स, एयर फ्रेशनर्स यूज कर सकते हैं? तो आज इस वीडियो में इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब हेवीली सेंटेड कॉस्मेटिक्स रहते हैं, डिओडरेंट्स रहते हैं, एरोसॉल्स रहते हैं, परफ्यूम्स रहते हैं, केमिकल एयर फ्रेशनर्स रहते हैं या टॉयलेटरीज रहती है, और कभी कभी जो हेवीली सेंटेड क्लीनिंग मटेरियल रहता है, इन सब से VOCs यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं। तो जब ये VOCs एयर से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर जाते हैं, हमारे फेफड़े में आ जाते हैं और वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। कभी कभी डिओडरेंट्स, परफ्यूम्स जब हम स्किन पे इस्तेमाल करते हैं तो वहीं से भी अब्जॉर्ब होने के चांसेस रहते हैं। जब इसकी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है तब हमें डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ईयरएक होने की संभावना रहती है, और हमारे खून में वो अब्जॉर्ब हो जाने के बाद बेबी की तरफ जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपको ऐसे हेवीली सेंटेड रूम में जाने की नौबत आती है जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल एयर फ्रेशनर्स रहते हैं या डिओडरेंट्स रहते हैं, तो आपको उस रूम का वेंटिलेशन इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये रूम के विंडो और दरवाजे खोलने पड़ेंगे और फिर आप वहाँ बैठ सकती हो। तो मेरी सलाह ये रहेगी, प्रेगनेंसी के दौरान हमें ऐसे हेवीली सेंटेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करना ही है तो बहुत लाइट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और बहुत कम समय के लिए करें, और इसके साथ ही जब आपको यूज़ करना ही है तो आपको नेचुरल फ्रेग्रेंसेस का इस्तेमाल करना है। इसकी वजह से आप और आपकी बेबी का स्वास्थ्य बनाए रहेगा। इस वीडियो के बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारे ये प्रेगनेंसी, गायनिक एंड इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।